ये बैंकॉक एयरपोर्ट से एकदम बाहर निकलने का नज़ारा है और मैं वहाँ पहुँचा, लैंड किया और कि दिन का टाइम था और आप देख सकते हैं कि आसपास कैसा एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट शायद दुनिया में अच्छे ही हैं। और मुझे लेने के लिए रवि भाटिया जी और सरदार धर्म सिंह चावला जी आए थे, तो उनके साथ ही मैंने आगे का सफ़र पूरा किया शहर में जाने का। और देखिए, शुरुआत में तो क्या था कि कोई भी आप बड़े शहर में भारत में जाएंगे तो एक दो किलोमीटर तक तो नज़ारा कुछ ऐसे ही नज़र आएगा आपको कि बड़ी बड़ी जगह होंगी, गेट्स होंगी, बिल्डिंगें होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप थोड़ा अंदर जाते हैं असलियत तब मालूम चलती है। और यहाँ पर मैंने आपको जो वीडियो बेसिकली बनाया वो दिखाने के लिए कि जब मैं पहली बार अंदर घुसा हूँ तो मुझे क्या दिखाई दिया। तो जैसे जैसे मैं बैंकॉक शहर के नज़दीक पहुँचना शुरू हुआ तो आसपास जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ है, और लेकिन उसके साथ में जो मेन चीज़ आपने नोट करनी है कि सफाई, क्योंकि मैं जिस देश से आया हूँ वहाँ पे सफाई आजकल बहुत नेता जी यहाँ पे आते होंगे, देन यू नो दीज वर देयर एंड राइट पे देयर इज अ पैलेस, द पुराना पैलेस जो बाद में पार्लियामेंट बन गया, एंड नाउ देयर इज गोइंग टू बी देयर यू सी द ग्रैंड पैलेस हियर आल्सो माउंटेन दे कॉल इट। ये देखना ये लेफ्ट पे, ये लुक एट दिस, ये पैलेस है क्या? ये पैलेस की सी सी दिस टेंपल हियर, ओके, ये पैलेस है थर्ड किंग का। अच्छा, and in front of you is the democracy monument. वो हाथी बना रखा है ना पूरा, ये इंडियन स्टाइल में, ये सो वही मैं आपको कह रहा हूँ, ये यहाँ का, ये दिस इज बैंकॉक का एम्बलेम है, ये ऊपर हाथी के ऊपर क्या है, राजा का मुकुट, इंद्र है। अच्छा, इंद्र बने भगवान, ये बैंकॉक मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का जो द मेन एम्बलम इज इंद्र। ओके, हमारे यहाँ तो देश में दंगे हो जाएगा मना कर देगा कि नहीं मना। फ्लावर आपने बहुत लगा रखे नहीं हर जगह, ये ऑर्किड्स हैं, थाई ऑर्किड्स। This bus, the air-conditioned one, that was 30 years old. No, that bus is good for 40-year-old vintage. Our charter is. That's a charter, okay. So, wo unhone dikhaya hua hai ki it's written on top of that, it's based on top of that. So, this was made. Which year was it this built? It was after 1932. 1932, this one, this particular one. The system changed from absolute monarchy to constitutional monarchy in 1930.